दादा अच्छे तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? राम कन्हाई जी, अब तो बस ये कुछ घंटों के, या यूं कहिए कि कुछ देर के ही मेहमान हैं। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, भैया राम कन्हाई। हाँ दादा। मन बहुत घबरा रहा है, पास आओ। बोलो। कागज कलम ले आओ, मैं बोलता जाता हूँ, तुम मेरी वसीयत लिख लो, मैं दस्तखत कर दूंगा। हाँ दादा। मैं गुरुचरण वल्त शिवचरण अपनी तमाम स्थाई और अस्थाई संपत्ति अपनी धर्मपत्नी श्रीमती वरदा सुंदरी को देता हूँ। दादा, दादा, भाभी, भाभी, जल्दी आओ। हे राम, बासी भात के दो कौर मुंह में डाल लूं, इतनी भी मुझे फुर्सत नहीं। हाय राम, देखो क्या हुआ। दादा नहीं रहे। राम कन्हाई भैया है क्या? कौन? मैं हूँ। अरे अरे चाचा, पहला की चाचा। खुश रहो, खुश रहो। वो बापूजी तो ताऊ जी के यहाँ गए हैं, वो उनकी तबीयत खराब है ना, सो डॉक्टर लेकर उन्हें दिखाने गए हैं। कौन? गुरचरण भाई? हाँ। अरे क्यों, क्या हुआ, बहुत बीमार हैं क्या? हाँ। अरे मैं सीधे कलकत्ता से होकर यहाँ चला आ रहा हूँ। अरे देवर जी आइए ना, बैठिए। अरे नहीं भाभी, मैं अभी गुरचरण भाई के पास जा रहा हूँ, वहाँ राम कन्हाई भाई से भी मिल लूंगा और गुरचरण भाई को भी देख लूंगा। अच्छा अच्छा। पर आपने बिना बताए भाभी नवदीप की शादी करवा दी। वो तो बड़ी शिकायत है। क्यों नवदीप बाबू, सुना है कि आपने पढ़ाई वढ़ाई भी छोड़ दी? मैंने ही छुड़वा दी देवर जी, क्या करनी थी, कोई नौकरी वोकरी तो करनी नहीं, जो पढ़ाई करता और मतलब भर की पढ़ाई तो हो गई। हाँ भाभी, नौकरी करेंगे तो ताऊ की संपत्ति कौन सा वाले? वही तो। हाँ हाँ भाभी, वो नई वाली बहू के कोई बच्चा बच्चा नहीं हुआ? नहीं देवर जी, और अब तो ऐसा होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। ताऊ की जायदाद तो आखिर एक ना एक दिन इसी को संभालनी है, सो मैंने। चाचा वो बापू चाहते थे कि मैं पढ़ूं, पर तू चुप कर, उन्हें क्या मालूम। देवर जी तुम तो जानते हो, तुम्हारे भाई ठहरे एकदम गोबर गणेश, अपना भला बुरा तो समझते नहीं। तुम्हारे आगे भाभी उनकी चलती कहाँ है, तुम ठीक भाभी मदारी के बंदर की तरह नचाती रहती हो। हटो देवर जी, तुम भी मजाक करने लगे। चाची चाची जल्दी चलो, चाचा वहाँ तुम्हें बुला रहे हैं, बाबा मर गए। हे भगवान। अरे बौदी, वो नेजेर बोयर नामे सब किछु लिखाई छे, अपना छेलेर नामे किछु लिखाई नहीं। सुनाचो है सोती नक्की है सो, चलो ऐशो हमार शोंगे ऐशो देखी। हे भगवान, अब क्या होगा। सबर करो बहन। क्या करूं मैया रे, ये सब क्या हो गया। ये क्या सुन रही हूँ मैं, वसीयत की बात सच है क्या? तुम्हारे उन्होंने ही तो लिखी है, सब कुछ दे गए हैं उसी को, अब नवदीप का क्या होगा। हे भगवान, मरते समय आदमी की बुद्धि कैसी हो जाती है, ऐसे अच्छे भतीजे के रहते हुए। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि बिगड़ गई है क्या, ये भी कोई समय है ऐसी बात करने का।
दादा चले गए, पर मैं हूँ। तुझे जो कुछ भी कहना है सब कुछ एक साथ किसी और दिन मुझसे कह लेना। माँ, हे भगवान, ये क्या हो गया, ये क्या कर गए मेरे बच्चे, ये क्या अनर्थ हो गया भगवान, अब तू क्या करेगा, तेरा तो सब कुछ लूट गया बेटा। तेरे ताऊ जी को किसने उल्लू की लकड़ी सुंगा दी थी कि वो सब कुछ उसी के नाम कर गए, तेरे को तो कंगाल कर गए बेटा। माँ चिंता ना करो, देख लूंगा ताऊ जी को, देखता हूँ कि मुंह में आग कौन देता है। मैंने भी अगर श्राद्ध शांति की तो मेरा भी नाम नवदीप नहीं। उनको क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो पूरे नास्तिक थे, गोरू के साथ रहकर पूरे भ्रष्ट हो गए थे। भाभी, हाय मेरी अमारी। भाभी, भैया सब कुछ तुम्हीं को दे गए हैं। अरे जरा चुप भी करो, कुछ सुनने तो दो। भैया सब कुछ तुम्हीं को दे गए हैं, ये रही उनकी वसीयत, संभाल कर लोहे के संदूक में रख दो। देवर जी, ये लिखावट किसकी है, तुम्हारी? हाय, अब ऐसे जतन से कौन रखेगा? हाय मेरी और फूट आकर कौन देखेगा? भाभी अब बस भी करो, चुप हो जाओ। अरे मेरी मैयारी, मैं भी क्यों नहीं मर गई रे? तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं क्यों जिंदा रह गई? अरे हम सब तो हैं। आ गए भाभी को वसीयतनामा देके, ठीक से रखवा दिया ना लोहे के संदूक में, तुम और कर भी क्या सकते थे? अरे लिखते समय समझा नहीं सकते थे, खुद ही चौपट करके चले आए। अरे इसमें मेरा क्या कसूर है, दस्तखत तो दादा ने ही किए थे। नहीं जी, तुम तो बड़े भोले हो, कुछ जानते ही नहीं। दादा ने कहा लिखो और भाई लिखते गए, तुम सब एक से हो। वक्त आने पर तुम क्या बुद्धिमानी दिखाओगे, मुझे सब मालूम है। तुम्हें क्या मालूम है मैं क्या करूंगा? मेरे मरने पर ले आओगे किसी मुंहजली को और मेरे नवदीप को गहरे पानी में धक्का दे दोगे, लेकिन बेफिक्र रहो, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं। तुम जो जी में आए बड़बड़ाती रहो, मैं तो यहां से चला। अरे दिन भर गांव में निठल्लों की तरह घूमता रहता है, आते ही सोने की तैयारी, कुछ काम धाम कर। बाप ने तो सारी जिंदगी कुछ किया नहीं, तुझे भी कुछ नहीं करने देंगे। अरे ताऊ की जायदाद तू अब मिल नहीं रही, ये नवाबी किससे दिखा रहा है? तू फिक्र मत कर माँ, मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। ये सारी जायदाद हमारी होगी। चुप रह, क्या हवाई किले बना रहा है? हवाई किले नहीं माँ, बिल्कुल असली किले, जिसमें हम सब इत्मीनान से रहेंगे। क्या बक रहा है? माँ अभी अभी मैं रघु और वो प्यारेलाल से मिलकर आ रहा हूँ। अरे क्या खोपड़ी पाई है माँ दोनों ने, मुझे तो ऐसी तरकीब बताई है कि सारी जायदाद हमारी। धीरे बोल, क्या तरकीब? वो मैं बाद में बताऊंगा, बस तू मुझ पर यकीन रख। अरे मुझे तो तेरे ऊपर यकीन है मेरे बेटे, पर तेरे बापू पर बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो माँ इस योजना में आपका सहयोग चाहिए। मेरा सहयोग चाहिए? बोल मुझे क्या करना होगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस तू एक बार ताऊ की जायदाद लेकर दिखा दे। तो माँ तू बापू को कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर भेज दे, वो यहाँ रहेंगे तो सब गुड़ गोबर कर देंगे। समझ गई, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, कुछ महीनों के लिए बाहर भेज दूं तो तेरा काम हो जाएगा। बस बस इतने दिनों में तो मैं सब कुछ इधर का उधर कर दूंगा। अरे पगले, इधर का उधर नहीं, उधर का इधर लाना है। हाँ माँ वही। अब कम से कम खाने के समय तो चुप रहा करो, दादा को गुजरे महीना हो गया लेकिन तुम अब तक दिन रात सोते जागते उठते बैठते उनकी वसीयत को लेकर मेरा दिमाग खाए रहती हो, मैं तो तंग आ गया हूँ तुम लोगों से। तो मार डालो ना हम सबको, एक ही बार छुट्टी मिल जाए। तुम लोगों क्यों मार डालूं, मैं खुद ही चला जाता हूँ यहाँ से कहीं दूर इस बकझक से। बड़े आए जाने वाले, काशी में कल्पवास की मनोती कब से पड़ी है, कल्पवास तो दूर, काशी स्नान तक करने नहीं जाते। अच्छा याद दिलाया तुमने, मैं कल ही काशी चला जाता हूँ
और कल्पवास पूरा करके ही लौटूंगा। देख लूंगी, बड़े आए जाने वाले, कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। मिलोर्ड, नवदीप बलराम कढ़ाई इस वसीयतनामे के साथ एक दरखास्त अदालत में पेश कर रहा है। उसका कहना है कि उसके ताऊ गुरुचरण वल्ल शिवचरण ने यह वसीयतनामा अपनी बीमारी से पहले लिखवाया था, जबकि गुरुचरण की दूसरी पत्नी वरदा सुंदरी का यह दावा है कि उनके पास की वसीयत नवदीप के पिता राम कन्हाई ने खुद अपने हाथों से लिखी है और मरने से पहले गुरुचरण से उस पर दस्तखत करवाया है। मिलोर्ड, उस दस्तखत की टेढ़ी मेढ़ी लकीरें गुरुचरण के दस्तखत से मिलती तो हैं, लेकिन नवदीप के इस वसीयतनामे पर गुरुचरण के स्पष्ट हस्ताक्षर हैं। मिलोर्ड, वरदा सुंदरी के पास जो वसीयतनामा है उसके हस्ताक्षर तो जाली लगते हैं। मिलोर्ड, नवदीप ने कोई गवाह पेश करने की पेशकश की है? यस मिलोर्ड, उसने उस डॉक्टर की गवाही पेश करने की अपील की है जो डॉक्टर गुरुचरण की मौत के समय वहां मौजूद था, और उसके बयान के मुताबिक उस समय कोई वसीयतनामा नहीं लिखवाया गया। मिलोर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रीमती वरदा सुंदरी का गवाह कौन है? वही राम कन्हाई, श्रीमती वरदा सुंदरी के मुताबिक वो वसीयत लिखने वाला। तो गवाह श्री राम कन्हाई को हाजिर किया जाए। मिलोर्ड, लेकिन वो काशी गया हुआ है। तो उसे काशी से बुलवा लिया जाए और तब तक के लिए मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन मिलोर्ड, राम कन्हाई का पता किसी को मालूम नहीं है और वो पता नहीं कब लौटे। अब इस उम्मीद पर इतने इंपॉर्टेंट मुकदमे का फैसला टालना क्या उचित होगा? मिलोर्ड, राम कन्हाई की पत्नी को तो उसका पता मालूम ही होगा। नहीं मालूम है मिलोर्ड, अगर आप कंफर्म करना चाहें तो राम कन्हाई की पत्नी को अदालत में तलब करवा लिया जाए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, राम कन्हाई को ही अदालत में हाजिर होने का सम्मन जारी कर दिया जाए और तब तक मुकदमे की अगली पेशी के लिए कोई दूसरी तारीख दे दी जाए। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है, मुंह तक आया कौर छिन जाने जैसी नौबत आ गई है। कुछ करो ना भैया, कुछ और नहीं तो काशी जाकर पंडों से इधर उधर पूछताछ करके देवर जी को ढूंढ लाओ। अरे तुम चिंता ना करो जीजी, उन्हें ढूंढकर लाने में पैसा और वक्त दोनों बर्बाद होंगे और हो सकता है कुछ नतीजा भी ना निकले। तब कुछ सोचा? हाँ, वही तो सोच रहा हूँ। अगर तुम इतना पैसा खर्चा करने को तैयार ही हो तो क्यों ना उसी पैसे से कुछ गवाह तैयार कर लिए जाए। अब देखो जीजी, मैं तो अपनी गवाही दूंगा ही और दो चार लोग ऐसे इकट्ठे कर लूंगा जो गवाही देने को तैयार हो जाए उनके खिलाफ। अच्छा, अब तुम चिंता ना करो जीजी, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। हुजूर, मेरा नाम मणिकांत है और मैं प्रतिवादी श्रीमती वरदा सुंदरी का ममेरा भाई हूँ। हाँ तो मणिकांत जी, आप एक बात बताइए कि जिस समय राम कन्हाई जी वसीयत लिख रहे थे उस समय क्या आप भी वहां मौजूद थे? जी हाँ, करीब करीब मौजूद था। करीब करीब मौजूद था का क्या मतलब? अरे भाई, पिछली दो अदालती कार्रवाइयों में आपकी जीजी वरदा सुंदरी ने तो सिर्फ एक गवाह राम कन्हाई का नाम लिया, आज के बीच में आप कहां से अटकते? हुजूर, मैं अपनी जीजी के घर पर ही रहता हूं, लेकिन उस रात मैं अपने एक दोस्त चंद्र के यहां ठहरा हुआ था। अगले दिन सुबह जब मैं अपनी जीजी के घर वापस आया तो मैंने देखा कि पहले ही कमरे में राम कन्हाई जी जीजा जी के साथ बैठे कुछ लिख रहे थे। न जाने क्यों उन्होंने मुझे अंदर आने के बजाय बाहर जाने को कहा। मैं कुछ हिचकिचाया, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कहा और इससे मैं चिढ़ गया हुजूर, और तभी से मैं अपने दोस्त के यहां रह रहा हूं। लेकिन जब मैंने इस वसीयतनामे के झगड़े के बारे में सुना तो सच्चाई बयान करने चला आया। बहुत खूब, बहुत खूब। अब आज आप जब सच्चाई बयान करने इस अदालत में आए, तो क्या ये बात बता सकते हैं आप कि राम कन्हाई जी भी इस सच्चाई को इस अदालत में स्वीकार करेंगे? स्वीकार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो वहां है नहीं हुजूर, काशी गए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे दोस्त चंद्र से पूछ सकते हैं। राम कन्हाई की गैर हाजिरी में यही एक तरीका बचता है मिलोर्ड। नहीं, इसमें अब जो हालात पैदा हो गए हैं उसमें राम कन्हाई की गवाही के बगैर दोनों पक्षों में से किसी की भी बात की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती।
पर मिलावट जो एक आदमी के लिए अदालत का फैसला कहां तक रोका जाना ठीक होगा? जब तक राम कनाई ना आ जाए तब तक। अरे चिट्ठी पाते ही चल दिए। अरे और नहीं तो क्या, तुम्हारी चिट्ठी मेरे लिए कोर्ट का सम्मन है। तुमने बुलाया और गुलाम हाजिर, बोलो क्या हुक्म है महारानी? रहने दो, देख लिया, छोड़ो ये हंसी मजाक की बातें। इतने दिन काशी में रहे, एक दिन भी मुझे याद किया? अरे क्यों नहीं, जब भी पूजा पाठ से छुट्टी मिलती थी तो तुम्हें ही तो याद किया करता था। और है भी कौन मेरा? कौन जाने, कोई हो ही नहीं, तो इतने दिनों में एक भी चिट्ठी पत्री नहीं लिखते। हाँ, और तुमने तो जैसे चिट्ठियों का अंबार लगा दिया। अरे इतने दिनों में सिर्फ एक चिट्ठी लिखी और वो भी बस चले आओ, प्यार का एक शब्द भी नहीं। तो और क्या लिखते, मेरी चिट्ठी में तुम्हें प्यार नजर नहीं आया? अरे मर चाहे जितने भी बेवफा हो, औरत का दिल तो होता ही नर्म है, उसे तुम क्या जानो। वाह बहुत खूब, अरे ये तो हम मर्द ही हैं जो औरतों के एक बुलावे पर दौड़े चले आते हैं, वरना औरत जात को मनाना आसान नहीं है। जानती हूँ, तुम लोगों का प्यार मतलब का होता है, जैसा कसाई का मुर्गी के लिए, अच्छा दाना खिलाता है, खिलाता है ज़बा करने के लिए। और तुम औरतें क्या कम हो, मुँह में मधु और दिल में छुरी। अच्छा अब कुछ खाना वाना भी खिलाओगी या यूं ही डंक मारती रहोगी? चलो चलो खिलाती हूँ। जिला जज के आदेश से आप राम कन्हाई वल्द शिवचरण को अदालत में माघ मास की 20 तारीख को 10 बजे हाजिर होकर गवाही देनी है। ये सब क्या है? तुम इसमें मत पड़ो जी, नवदीप ने ताऊ जी की जायदाद के लिए एक योजना बनाई है, और ये लो वो कलमोही तो ना सिर्फ इसे जायदाद से कोरा रखना चाहती है, वो तो इसे जेल भिजवाने की तैयारी में है। ये सब क्या सत्यानाश कर डाला तुम लोगों ने? नवद्वीप ने दादा की वसीयत को जाली साबित करवाने की कोशिश में ये भी नहीं सोचा कि वो वसीयत मेरे हाथ की लिखी हुई है। अरे तो उसमें क्या, नवदीप का इसमें क्या कसूर? वो अपने ताऊ की जायदाद बचाए नहीं, यूं ही चली जाने दे, और वो बाहर की लड़की आकर घर की मालकिन बन बैठे और हमारा लड़का देखता रह जाए, ऐसा अत्याचार कौन सहेगा? अरे मान लो मरते समय उस जादूगरनी ने कुछ जंतर मंतर करके ताऊ जी का दिमाग खराब कर दिया हो और गलती कर बैठे हो, तो हमारा समझदार बेटा क्या उसको सुधारेगा नहीं, जायदाद को यूं ही चले जाने देगा? इसमें सत्यानाशी की क्या बात है? बापू एक बार आपने सब चौपट कर दिया, अब जब हम लोगों ने कोई उपाय किया है तो आप हमारी तकदीर क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? वाह बेटा, जालसाजी करने को तुम तकदीर बनाना कहते हो? कहो कहो खुद ही भुगतोगे। और अब भी मेरी बात मान लो और ये सब न करो, और अपनी माँ को भी समझा दो। क्यों ना करें, आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ये बात है तो सुन लो, आज से मैं भी इस घर को पाप का घर समझकर यहाँ का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, चाहे इसमें मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। मैं जानबूझकर पाप का भागी नहीं बनूंगा। ये लो और बाकी पैसे बाद में मिलेंगे। याद रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ ध्यान रखना। और रघुनाथ को तुम जानते ही हो, जिगरी यार है मेरा, जैसा बोला जाए वैसा ही करना, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी जीजी मुझे खर्चे भर के लिए पैसे नहीं देती है। वही तो। तो भला मैं उसके लिए क्यों बोलूंगा? लो थोड़ा खाना खा लो, इतने दिन हो गए एक कौर मुंह में नहीं डाला। अरे खाने से दुश्मनी थोड़ी ही है। लंबे इंतजार के बाद आज नवदीप बनाम वरदा सुंदरी के वसीयत नामे का मुकदमा आज एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है। मैं अपने गवाह श्री राम कन्हाई को अदालत में पेश होने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है, आइए राम कन्हाई जी। राम कन्हाई जी, आपके बेटे ने
जो वसीयतनामा अदालत में पेश किया है वो सही है, या वरदा सुंदरी के पास जो वसीयतनामा है जिस पर आपकी लिखावट है वो सही है? सही क्या है कृपया अदालत में बयान दीजिए। हुजूर, मैं बहुत कमजोर हूँ, कई दिनों से खाया पिया नहीं, इसलिए थोड़े में कहता हूँ। मेरे दादा गुरुचरण मरते वक्त अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति अपनी धर्मपत्नी वरदा सुंदरी को दे गए हैं। वो वसीयत मैंने अपने हाथों से लिखी है और उस पर दस्तखत मेरे दादा ने खुद किए हैं। मेरे बेटे नवद्वीप ने जो वसीयत पेश की है वो झूठी है, सरासर झूठी है, झूठी है। जीजी, ओ जीजी, अरे देखो हम मुकदमा जीत गए हैं। अच्छा? हाँ, अब तुम जल्दी से पैसे निकालो, सबको देने हैं। मैं तो जानती थी कि देवर जी के आते ही हम लोग जीतेंगे। अरे कहाँ जीजी, उस बड़ऊ राम कन्हाई ने तो सब सत्यानाश ही कर दिया था। अरे बड़ी मुश्किल से जेल जाने से बचा हूँ। हाय दया, हम ऐसा किया देवर जी ने? हाँ। मैं तो उसे भला आदमी समझे बैठी थी। हे भगवान, अब आदमी को कौन पहचान सकता है? बिल्कुल। अरे 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 दादा, अरे दादा, अरे नवदीप की माँ, अरे दादा, अरे नवदीप की माँ, अरे नवदीप, अरे क्या यार, तूने तो हम लोगों को जेल ही पहुंचा दिया। मैं क्या करता? जानता हूँ यार, तेरे बापू का तो दिमाग ही खराब था, इतना बड़ा बेवकूफ तो सारे इलाके में नहीं मिलेगा।